हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित राणा। आज हम लोग बीएससी पार्ट वन के बॉटनी में पहले पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंगस या फंजाई। क्लियर? जिसमें भी हम लोग इसका सिलेबस देख चुके हैं। आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर दिया गया, सारा कुछ बता दिया गया कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहली यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट में वायरस बैक्टीरिया और फंगस के क्लासिफिकेशन। क्लियर है? इसका नॉमेनक्लेचर और इसके नेचर के बारे में समझना है। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं, इनके बारे में समझना है। ठीक है ना, और भी बहुत सारी सेल्स हैं, उनके बारे में समझना है। तो यहाँ पर हम लोग जो यूनिट फर्स्ट में जो डिस्कस करेंगे आज, वो है वायरस। देखिए, वायरस को एक्चुअल में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो वायरोलॉजी क्या है? वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए वायरस की अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसको हमें समझना है कि वायरस की हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, सर्वप्रथम डिमिट्री इवानोवस्की ने 1892 में, कौन? डिमिट्री इवानोवस्की ने 1892 में वायरस की खोज की, जिन्होंने बताया कि टोबैको मोज़ेक नामक डिजीज हेल्दी टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर देती है, तथा यह इन्फेक्शन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होता है। भाई, सबसे पहले जो वायरस को खोजा, वो खोजा किसने? डिमिट्री इवानोवस्की ने, आपको याद रखना है। दूसरी बात, कब खोजा? तो 1892 में खोजा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है ये कि जो इन्होंने बताया था, इन्होंने सिंपल सी बात बता दी कि जो टोबैको मोज़ेक नामक डिजीज है वो एक हेल्दी टोबैको प्लांट को क्या करती है? इन्फेक्ट करती है, और ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता रहता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता रहता है। चलिए, इसके बाद में दूसरा पॉइंट आप देखिए, सर्वप्रथम मार्टिन्स बेंजुरिक, कौन से? मार्टिन्स बेंजुरिक बेंजुरिंक ने 1998 में, मार्टिन्स बेंजुरिंक ने 1998 में वायरस शब्द को दिया, आपको याद रखना है। तथा इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट के शैप यानी कि उसके रस को क्या किया था? तैयार किया था, जिसको पार्सनेल जीवाणु फिल्टर, पार्सनेल बैक्टीरियल फिल्टर से इस शैप को, जो उन्होंने अपना शैप तैयार किया था, उसको फिल्टर करके बैक्टीरियल सेल को, यानी कि जो उसके अंदर बैक्टीरियल सेल थी उसको हटा दिया। ठीक है, हटा दिया, तथा इस सैप को एक नॉर्मल टोबैको की लीफ पर, यानी कि जो सैप बचा हुआ था जिसमें से हमने क्या किया था, बैक्टीरिया को अलग कर दिया, अभी जो बैक्टीरिया अलग हो गया यानी कि जो सैप बचा है, इसको हम क्या करेंगे, जो हेल्दी नॉर्मल टोबैको है उसकी लीफ पर हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि लीफ इन्फेक्टेड हो जाती है, यानी कि लीफ जो है वो कैसी हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, दैट मीन्स उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है टोबैको मोज़ेक का इन्फेक्टेड हो जाती है, तथा यह पता लगा कि शैप स्टराइल नहीं होता है, यानी कि शैप कैसा नहीं हुआ, स्टराइल नहीं हुआ, जिसे इन्होंने क्या कह दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं जीवित तरल संक्रामक। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड, यानी कि ये एक ऐसा फ्लूड है जो कैसा है, इन्फेक्टियस है, जिसे आगे चलकर वायरस कहा गया। ठीक है ना, ये हमारी बात हो गई किसकी, मार्टिन्स बेंजुरिंक्स की। चलिए, इसके बाद में आप हमारे आते हैं थर्ड पॉइंट पे, सर्वप्रथम WM Stanley, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है जिनके बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। सर्वप्रथम WM Stanley ने 1935 में टोबैको मोज़ेक वायरस TMV को क्रिस्टलाइज किया, यानी कि कण के रूप में इसको क्या किया, एकत्रित किया, क्रिस्टलाइज करके पार्टिकल्स को या पार्टिकल्स के रूप में तैयार किया गया, जिसके लिए इन्हें 1946 में, याद रखिएगा, जिसके लिए इन्हें 1946 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में किसने एकत्रित किया, तो वो कौन है, WM Stanley ने, और कब किया, 1935 में। इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1946 में, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है। अगला पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम एंडर लॉफ, ये एक साइंटिस्ट और हैं, सर्वप्रथम एंडर लॉफ ने बताया कि वायरस एक वायरस है, वायरस इज अ वायरस। ठीक है ना, अर्थात इट इज ए नॉट लिविंग, ये लिविंग नहीं है, एंड इट इज नॉट नॉन लिविंग, ना ही तो ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है, ना ही तो ये जीवित है और ना ही ये निर्जीव है, मरा हुआ है, बल्कि यह इन दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक है।
तो वायरस आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये किसने कहा? ये कहा हमारे कौन साहब थे? एंडरलॉफ ने. कौन साहब है? एंडरलॉफ. चलिए इतना हो गया. इसके बाद में हम लोग वायरस के नेचर की बात करते हैं. चलिए अब हम लोग इसके नेचर के बारे में बात करते हैं. तो नेचर ऑफ वायरस क्या है उसको समझते हैं. देखिए, वायरस माइक्रोस्कोपिक असेलुलर पैथोजेनिक न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं. यानी कि जो वायरस होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी में, सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के अलावा उनको हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. असेलुलर कहने का मतलब होता है अकोशिकीय. ये कोशिका नहीं होती है लेकिन फिर भी कोशिका की तरह कार्य करती है, तो हम कह सकते हैं असेलुलर. पैथोजेनिक कहने का मतलब होता है संक्रमित, यानी कि जो संक्रामक अवस्था में हो या जिससे हमको डिजीज हो जाए उसको हम लोग कहते हैं क्या? पैथोजेनिक. न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन कहने का मतलब होता है इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों क्या होगा, कॉम्बिनेशन होता है, पाया जाता है, होते हैं. अगला पॉइंट, यह हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब होता है हमेशा किसी दूसरे के ऊपर ही क्या रहना, डिपेंड रहना. बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में लिविंग सेल्स एंड टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं. यानी कि जो लिविंग सेल्स होती हैं या सेल्स से जो टिश्यू बने होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं. अगला पॉइंट, वायरस हमेशा हार्मफुल एंड पैथोजेनिक होते हैं. सिंपल सी बात है, वायरस कोई भी हो, कोई वायरस आपको आकर के ये नहीं कहेगा कि भैया हमको रख लो अपने अंदर, आप होस्ट हो उसके, हम भी होस्ट हैं उसके, है ना. वो आएगा कि भैया हमको रख लो और हम आपको यूज़ करेंगे और हम आपको जो है ना क्या देंगे भाई, लाभ प्रदान करेंगे ना, यूज़फुल हम आपको एक्टिविटीज़ कराएंगे, आप हमको बदले में खाना पीना दे दो. तो ऐसा नहीं होता. बैक्टीरिया से तो एक घड़ी जो है ना हम लोगों को उम्मीद है कि वो हमसे कुछ मतलब ले ले खाना पीना और वो हमको बदले में बहुत ज़्यादा क्या करे, यूज़फुल एक्टिविटीज़ दे. लेकिन वायरस से कतई उम्मीद मत रखना, ये बहुत बड़ा खतरनाक होता है. चलिए अगला पॉइंट है, वायरस का नेचर पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि इनके अनेक करेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वायरस है उसका नेचर अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनके अनेक करेक्टर यानी कि जो अनेक लक्षण हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होते हैं. यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सिमिलर होते हैं लेकिन कुछ करेक्टर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होते हैं. यानी कुछ करेक्टर लिविंग और कुछ करेक्टर नॉन लिविंग, ये मैंने अभी बताया है आपको. किसने बताया वो सब याद करिए, सिमिलर होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग करेक्टर्स ऑफ वायरस. ये हमारा अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है या अगला हम कह सकते हैं हेडिंग है, लिविंग एंड नॉन लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस. इसको पढ़ने से पहले, यानी कि जो वायरस की लिविंग थिंग्स हैं और वायरस के नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ वायरस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. ठीक है, आपके कई एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है और आपको बेसिकली इसका नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, टाइप ऑफ वायरस की अगर अपन लोग बात करेंगे तो वायरस मेनली टू टाइप्स के हो सकते हैं. टू टाइप के नहीं, वैसे तो वायरस बहुत सारे होते हैं लेकिन टू टाइप्स के मेनली हो सकते हैं. कौन कौन से? कुछ ऐसे वायरस हों जिनके अंदर आरएनए पाया जाए, कुछ ऐसे वायरस हों जिनके अंदर डीएनए पाया जाए. क्योंकि आरएनए और डीएनए ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है और वायरस एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर आरएनए अलग होता है और डीएनए अलग होता है. आरएनए डीएनए एक साथ नहीं पाया जाता. यूकैरियोट में क्या होता है, यह हम सीधे बात कर लेते हैं, बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, तो उसमें आरएनए डीएनए एक साथ देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ पर आरएनए और डीएनए एक साथ नहीं मिलता. तो एक्चुअल क्या होता है कि जिसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है उसको हम लोग राइबोवायरस कहते हैं और जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम लोग डीऑक्सीराइबोवायरस कहते हैं. शुगर तो है, ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर भी एक खास बात है कि राइबोवायरस भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, लाइक सिंगल स्ट्रैंड, दैट मींस आरएनए के बेसिस पर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए. जी हाँ, डबल स्ट्रैंड आरएनए. अभी तक आप लोगों ने सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के बारे में ही समझा था लेकिन वायरस में डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, इस बात को याद रखिए. अब आपको याद क्या रखना है इसमें, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाले वायरस कौन से होते हैं और डबल स्ट्रैंड आरएनए वाले वायरस कौन से होते हैं. तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो पाया जाता है वो पाया जाता है टीएमवी में, टोबैको मोज़ेक वायरस. सिंपल है, आपको याद रहना चाहिए. टीएमवी है, मैंगो वायरस हो गया, माउथ डिजीज वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया जिसके द्वारा जुखाम हो जाता है, एलो फीवर वायरस हो गया, रेबीज हो गया, कुत्ते से दूर रहना क्योंकि कुत्ता ही काटता है ना, ल्यूकेमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया और एचआईवी हो गया. एचआईवी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप गई, है ना. अरे भाई एचआईवी से ही तो एड्स होता है. किसको एड्स है? अरे भगवान ना करे हो यार. और फिलहाल तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर जरूर पढ़िएगा आप लोग इंटर में, उससे आप लोगों को नॉलेज आएगी कि रिप्रोडक्शन करते समय किसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना. चलिए डबल स्टैंड आरएनए की बात करते हैं.
रियो वायरस क्या है? सॉरी, रियो वायरस जो एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। वॉन ट्यूमर वायरस, वॉन ट्यूमर कैसे लिखा जाता है? WOUND, वॉन्ड करके पढ़ते हैं, वॉन ट्यूमर, TUMOUR, वॉन ट्यूमर वायरस। इसके अंदर क्या होता है? डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। एक वायरस है 5-6 वायरस, इसके अंदर भी डबल स्ट्रैंड आरएनए है। और कौन सा एक वायरस है? ब्लू टंग वायरस, ठीक है ना, और राइस डॉर्फ वायरस, यानी कि जो चावल है वो बोना रह जाए वो किस वायरस के द्वारा रहता है? राइस डॉर्फ वायरस उसको कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। चलिए, डीएनए प्रेजेंट है अगर वायरस के अंदर तो उसको हम लोग डीऑक्सीराइबो वायरस कहेंगे। और ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में और डबल स्ट्रैंड फॉर्म में। सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में कौन कौन से होगा? सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में पहला होगा 5X174 बैक्टीरियोफेज। याद रखिएगा, ये एक ऐसा बैक्टीरियोफेज वायरस है। वैसे बेसिकली बैक्टीरियोफेज में आपको डबल स्ट्रैंड डीएनए मिल जाता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें 5X174 बैक्टीरियोफेज वायरस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट से रिलेटेड, कि बताइए भैया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका मिलेगा 5X174 बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है ना। दूसरा क्या है? S13 वायरस, M14 वायरस एंड इंसेक्ट वायरस। ये तीन और ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिलता है। और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। डबल स्ट्रैंड वायरस की बात करते हैं तो डबल स्ट्रैंड वायरस में आपका एक आता है कोलीफेज वायरस, ठीक है ना, दूसरा आता है साइनोफेज वायरस, तीसरा आता है बैक्टीरियोफेज वायरस। डेफिनेटली सिमिलरली बैक्टीरियोफेज वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन एक्सेप्शन है। एक बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, जिसका नाम है क्या है? 5X174 बैक्टीरियोफेज वायरस। क्लियर? फिर देखिए एडिनो वायरस और हर्पीज वायरस, इनके अंदर भी क्या होता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। चलिए, तो ये हमारा टाइप ऑफ वायरस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो हमारा पॉइंट रह गया वो देखना है, लिविंग एंड नॉन लिविंग करेक्टर्स ऑफ वायरस। जी, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके लिविंग करेक्टर्स एंड नॉन लिविंग करेक्टर्स के बारे में। तो लिविंग करेक्टर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट देखिए, सभी वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए एवं आरएनए के रूप में होता है, यानी कि जितने भी वायरसेस होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए के रूप में होता है। या तो डीएनए पाया जा सकता है या तो आरएनए पाया जा सकता है। पहली बात, जो अपने स्ट्रक्चर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए एवं आरएनए के सिमिलर होता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो ये बिल्कुल ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी तरह होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, वायरस में पाई जाने वाली प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली प्रोटीन के सिमिलर होती है, यानी कि इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो हम लोग हैं या अदर एनिमल्स जो हैं, जो लिविंग हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसके सिमिलर होती है। दूसरी बात, वायरस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर सेल डिवीजन के द्वारा संख्या में ग्रोथ या वृद्धि होती है। संख्या में वृद्धि क्या होगी? होगी किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। और एक खास बात आपको मालूम है कि ये लिविंग प्रॉपर्टी तभी संभव है जब ये किसी होस्ट सेल में पाया जाए, ठीक है ना। मान लीजिए वायरस आपके अंदर, सॉरी आप नहीं, हमारे अंदर, मान लीजिए वायरस हमारे अंदर आ गया और हम उसके क्या होंगे? होस्ट। क्लियर? अब क्या होगा कि वो अपना जो प्रॉपर्टी है, जो लिविंग प्रॉपर्टी है, वो सारा का सारा हमारे बॉडी के अंदर करेगा, और वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए, खास बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी वायरसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर म्यूटेशन, उत्परिवर्तन क्या होता है जेनेटिक्स में देखेंगे आप लोग। तो सभी वायरसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन कहने का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आ रहे हैं वो अचानक से हो जाए, यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो तो एक करेक्टर है, जेनेटिक रीजन का ही है, जो माता पिता से डिफरेंट करेक्टर आ रहे हैं हमारे अंदर। लेकिन इसके अलावा कुछ बॉडी में अचानक से ऐसे चेंजेस हो जाएं, अचानक से ऐसे चेंजेस हो जाएं जो बिल्कुल ही अलग करेक्टर को प्रदर्शित करता हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? म्यूटेशन। अगला पॉइंट देखिए, वायरस के अंदर रोग जनक जीवधारियों के समान रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, यानी कि जो रोग जनक यानी कि पैथोजेंस जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है लाइक रोगजनक जीवधारियों, जो पैथोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया है, ईस्ट है, सॉरी बैक्टीरिया है, फंगस है, ये इन सब के द्वारा क्या होता है? रोग उत्पन्न हो जाता है।
तो उनके समान ही क्या होगा, वायरस भी, वायरस के अंदर भी ऐसी क्षमता पाई जाती है कि वो क्या कर सकता है, जीवधारियों के समान ही इनका एक दूसरे से होस्ट में ट्रांसमिशन होता है, सॉरी यहाँ पर समझिए, जीवधारियों के समान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। जीवधारियों के समान क्या करता है, वो रोग को उत्पन्न कर सकता है, कौन, वायरस। तथा जीवधारियों के समान ही इनके, या जीवधारियों के समान ही इनका एक से दूसरे होस्ट में क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि बैक्टीरिया को अगर हम लोग देखें तो बैक्टीरिया का एक से दूसरे में ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है ना। मान लो कि अगर हमें कोई रोग हुआ है तो उस रोग को हम किसी दूसरे को करना चाहें, जैसे कि मान लो किसी को लिप्रोसिस हुआ है और वो लिप्रोसिस वाला व्यक्ति जो है किसी के पास में ज़्यादातर रहता है, उसको छूता है, उसका जूठा खाता है या खिलाता है, जो जिसको लिप्रोसिस नहीं हुआ है उसको भी हो सकता है। दैट मीन्स लिप्रोसिस क्या बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना। तो बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और क्या करता है, ये ट्रांसमिशन कर देता है अपने पैथोजेंस को, या हम कह सकते हैं अपने रोगजनक क्षमताओं को ट्रांसमिट कर देता है दूसरों में। तो इसी तरीके से ये भी है, यहाँ पर वायरस क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट हो जाता है, लाइक HIV वायरस, एड्स, यार क्या होता है, एक ह्यूमन पर्सन से दूसरे ह्यूमन पर्सन को क्या होता है, हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, वायरस पार्टिकल पर ऑर्गेनिज्म के सिमिलर केमिकल रिएक्शन एवं रेडिएशन आदि का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इन पार्टिकल्स पर क्या होगा, रेडिएशन और केमिकल रिएक्शन का प्रभाव पड़ता है। चलिए अब इसके हम लोग नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस क्या है। तो पहला पॉइंट देखिए, वायरस पार्टिकल में सेल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। पहला इसका कैरेक्टर हो गया नॉन लिविंग का कि वायरस का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता सेल का। दूसरा है, वायरस पार्टिकल लिविंग सेल्स के बाहर पूरी तरह निष्क्रिय होती हैं, यानी कि जो लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर वायरस पार्टिकल क्या होंगे, पूरी तरीके से निष्क्रिय होंगे, इनएक्टिव होंगे। अगला पॉइंट है, वायरस पार्टिकल को नॉन लिविंग पार्टिकल के रूप में अनेक वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि हम इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर्ड करके क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। वायरस में रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन आदि एक्टिविटीज या क्रियाएं अनुपस्थित होती हैं, ये भी एक नॉन लिविंग कैरेक्टर का, ये भी एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। चलिए अगला पॉइंट है, वायरस पार्टिकल में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो वायरस जो पार्टिकल हैं उनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, बट ये हमारे अंदर ग्रोथ करते हैं बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन, क्लियर। तो ये हमारा हो गया इसका कैरेक्टर्स के बारे में, लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम लोग जो देखेंगे वो उसका देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस अगले लेक्चर में। फिलहाल